माना आई बराबर कॉस की पावर 4 टू एक्स और डीएक्स। पहले इससे निपटते हैं। माना 2x बराबर टी, तो 2dx बराबर डी टी, यहाँ से dx बराबर हो जाएगा डी टी बाई 2। अब हम फॉर्मूला लगा पाएंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर वाला, तो i बराबर 1/2 cos की पावर 4 टी और डी टी। अब आर्गुमेंट जो है सिंगल, उसमें मतलब कोई सिंगल प्रोडक्ट हो गया ये। अब हम इसको करेंगे 1/2 कॉस स्क्वायर टी का होल स्क्वायर डी टी, 1/2, और इसको हम बदल सकते हैं। हमें मालूम है कि कॉस 2t बराबर होता है 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2t, और cos स्क्वायर टी 1 प्लस cos 2t बटे 2। ये हम यहाँ से लेकर के यहाँ पर रख देंगे। चलिए यहाँ पर ये रखते हैं, तो आता है आई बराबर 1/2 पहले ही से और 1 प्लस कॉस 2t ओवर 2 का होल स्क्वायर dt, 1/4 बाहर, वर्ग होके आएगा 1/8, और इसका हम फिर से होल वर्ग करेंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2t प्लस 2 कॉस 2t और dt। देखिए हम इसका कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं, इसको फिर से आपको बदलना ही होगा इसी सूत्र से, तो इसको फिर बदल देते हैं, तो 1 प्लस इसी सूत्र से 2 की जगह 4 आ जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पर t है तो यहाँ 2t आया है, और यहाँ पर 2t है तो यहाँ 4t आएगा, तो इसको बदल लेते हैं, कॉस 4t बटे कितना आएगा 2 प्लस 2 कॉस 2t और dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे 1/8, ये हो जाएगा t, ध्यान रहे x नहीं होगा t होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल t है, प्लस साइन 4t ओवर 4 और 2 पहले से है 8 हो गया, प्लस 2 साइन 2t ओवर 2 प्लस c। बस इसी को ही हल करना है हमें। i बराबर 1/8, t का मान रख देंगे 2x प्लस साइन, यहाँ पे 2x रखेंगे तो यहाँ 8x हो जाएगा, ओवर 8 प्लस 2 से 2 कट गया है, साइन 2x रखेंगे तो 4x प्लस c। 1/8 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो xy 4 प्लस साइन 8x ओवर 64, साइन 8x ओवर 64 प्लस साइन 4x ओवर 8 और प्लस
सी, दिस इज अवर आंसर। यहाँ पे 2x होगा भैया, क्योंकि x का मान है ये, लेकिन हमने तो भाग कर दिया था पहले ही, इसलिए यही हमारा आंसर होगा।